नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के 4 बजे से। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट। आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक और फेस्टिवल जापान का, जिस एरिया में मैं जॉब करता हूँ उस इलाके में। तो वैसे आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी, वो तेंजिन माचरी थी, वो ओसाका की थी बड़ी, और ये इस एरिया की जहाँ मैं रहता हूँ तांबासी योगो प्रिफेक्चर में पड़ता है, तो उसमें है ये। और अब मेले में आए तो भाई कुछ चटपटी चीज़ ना हो जाए तो मज़ा नहीं आता है। रसगुल्ला जापान का, ये जी जापान की। और ये है जापान का मोस्ट पॉपुलर गेम सोजी, शतरंज की तरह होता है जैसा। तो ये यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है। और ये देख लो आप, एक आर्ट यहाँ डिजाइन किया हुआ है, सारी प्लेटों से देख सकते हैं आप। और ये आप देख सकते हैं जापान के पुराने घर हैं यहाँ, ये देख लो ये गली आज सजाई हुई है क्योंकि फेस्टिवल है यहाँ आज। और कुछ डायग्राम ये आप देख सकते हैं, ये फिश टाइप भी बना रखी है पूरे फ्लावर से, तो ऐसा सजा के रखा हुआ लोगों ने यहाँ। और ये आप देख सकते हैं बारिश भी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये देख लो मज़ा आ रहा है कुछ। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रखी है, वैसे बारिश हो रही है लेकिन लोग फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। ये है जापान में कुछ डांस ग्रुप जो अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और लोगों को दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस, तो ऐसा कुछ इसके बारे में। तो अभी कुछ और ग्रुप आएंगे तो आपको उनसे भी दिखाऊँ। और ये है जापान का ट्रेडिशनल डांस, ये आप देख सकते हैं एकदम, इतनी ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पीछे से जो म्यूजिक बज रहा शायद उसका कॉपीराइट आ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इधर के बारे में। अब ये देख लो आप, जापान में जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना उसके लास्ट में फायरवर्क का वो होता है, सिस्टम होता है। तो ये देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे फायर ब्रिगेड लगी हुई है और एक यहाँ पे लगी हुई है सामने पे फायर ब्रिगेड, ये देख सकते हैं आप। और एक वहाँ लगी है, ये आप देख लो कि ताकि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो इसमें तुरंत फायर ब्रिगेड आ जाती और फिर आग बुझाने का काम करती। तो हालांकि अभी तो बारिश तो हो रही है, अभी आज फायरवर्क होगा या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ जो होता है यहाँ साफ ढंग से दिखाई देता है तो मज़ा आता है, ऐसा कुछ सर इसके बारे में। ये सारी साइड में शॉप लगी हुई है फूड के स्टॉल है ये। चौमीन यहाँ भुट्टे हो रहे हैं। Oh yeah।
जापान का कोनोमियागी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है। इधर से ये कच्चा रॉ मटेरियल है और इधर जाके ये देख सकते हैं आप। तो जरा इसका टेस्ट करते हैं कैसा है। आप देख लो कितनी पब्लिक आ रखी है यहाँ, ये देख सकते हैं आप। वहाँ सामने डांस चल रहा है और इधर कोर्ट का एंजॉयमेंट पूरा। और जापान के फेस्टिवल में बस चार चीज़ें जरूर होती है, ड्रिंक, डाइन, डांस एंड फायरवर्क। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जापान के फेस्टिवलों में। तो मज़ा आ रहा है, कुछ बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी रुक रही है, तो सारे कपड़े भीग गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अभी भी लोग हैं। अब इसके बाद जो होगा वो फायरवर्क का जो प्रोग्राम होगा वो दिखाऊंगा आपको, अगर होगा तो, क्योंकि बारिश आ रही है और रुक रही है, तो ऐसा है कुछ। तो इस गली में देख सकते हैं आप, अंधेरा है और यहाँ दूर से देखिए फायरवर्क हो रहा है। अभी मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर करके दिखता है तो इसीलिए मज़ा आता है यहाँ। तो ऐसा सा कुछ अभी लेके चलता हूँ। और अब ये देखो जी, हम यहाँ पे बैठ के ये देख सकते हैं आप, बड़ा प्यारा नज़ारा है इस समय। तो शायद थोड़ा आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, तो उसको माफ़ करना, आप भी इंजॉय कीजिए। अब ये आप लास्ट फायरवर्क का प्रोग्राम अब ख़त्म, और अब चलते हैं रूम पे। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूँ रूम पे। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे किसी और दिन किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।